अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जरकून कवल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे आज का व्लॉग है, आज मैं बना रही हूँ चिकन आलू और पालक का सालन। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचती रहें और आप मुझे अपनी राय भी देते रहें। चलो शुरू करते हैं आज का सालन बनाना। बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले मैंने कढ़ाई ले ली है और मैंने एक पाव चिकन ले लिया, इसे धो लिया, अच्छी तरह बना लिया, मैंने कढ़ाई में डाले और दो अदन मैंने प्याज को इन बारीक नहीं काटा, इसे मोटा मोटा थोड़ा काट लिया और वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने इसमें डाल दिए। और दो अदन मैंने टमाटर ले लिए थे, वो भी बारीक नहीं काटे, थोड़े थोड़े मोटे काटे हैं। और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया और लाल मिर्च का एक चम्मच, वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सूखे धनिया पाउडर, वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया, और आधे से भी कम चम्मच मिक्स मसाला, वो भी मैंने इसमें डाल लिया, और आधे से भी कम चम्मच मैंने नमक डाला। और मैंने सालन के मुताबिक जैसे घी डालती है अपना घी डाला है इसमें, और अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है सालन। अब मैं इसमें डाल लूँगी एक गिलास पानी। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसे ढकना दे के ठहरा देंगे। आँच को ना ही हम कम रखेंगे ना ही हम ज़्यादा रखेंगे, दरमियानी रखेंगे। माशाल्लाह से हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं और पानी भी हमारा काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, और हम इसे अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड, हम माशाल्लाह से काफ़ी हद तक भुन चुका है हमारा सालन। इसे अच्छी तरह भून के मैं इसमें डालूंगी आधा कप दही। और मैं इसे अच्छी तरह भुनाई कर लूंगी ताकि दही भी हमारी अच्छे तरीके से पक जाए और मसाला भी सारा अच्छे तरीके से पक जाए और गल जाए। ये देखे फ्रेंड, हमारी दही भी माशाल्लाह से पक चुकी है। अब मैंने 2-3 अदद आलू लिए थे और मैंने इस साइज़ के मोटे मोटे काट लिए थे। अब मैं ये डालूंगी इसमें और हम इसे भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब मैंने तो 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है और मैंने इसे थोड़ा मसल के वो भी इसके ऊपर डाला, हमने पहले नहीं डाला था। और मैंने छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, वो भी इसके ऊपर मैंने डाल लिया है, ये वाला चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह हमारा आलू भी भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढकना देके ठहरा देंगे। हमारे 2 से 3 मिनट हो गए, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसका ढकना उतारते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पानी भी सूख चुका है और हमारा माशाल्लाह से आलू भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। हम आलू को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि हम इसमें पालक जो डालें तो ये आलू फिस ना जाए। मैंने पालक उबाल करके रखी थी और ये मैं पालक इसमें डाल रही हूँ। पालक मैंने पहले उबाल करके रखी हुई थी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पालक को। और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे।
अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया ताकि पालक भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और मसाला भी इनके अंदर जज्ब हो जाए। दो से तीन मिनट में इसके ऊपर ढकना देके हल्की आंच पर ठहरा दूंगी ताकि हमारा सालन अच्छे तरीके से पक जाए। माशाल्लाह फ्रेंड, हमारा सालन तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और डिश आउट करेंगे। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।